नमस्कार, मैं प्रियांशी, आप देख रहे हैं द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स। नागरिक कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत 29वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल गया बिहार के द्वारा नागरिकों के कल्याण हेतु श्री एच के गुप्ता कमांडेंट 29वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल गया बिहार के द्वारा जरूरतमंद गरीब किसानों को सब्जियों के बीज का वितरण किया गया। तो जुड़े रहें ऐसे ही अपडेट्स के लिए, हम पुनः मिलेंगे ऐसे कुछ अपडेट्स के साथ। मैं प्रियांशी, देखते रहे द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स। रेडीमेड स्कूल यूनिफॉर्म की दुनिया में श्री शंकर स्टोर्स का एक अलग ही पहचान है। जी हाँ, बहुत ही रिजनेबल रेट पर सभी तरह की रेडीमेड स्कूल यूनिफॉर्म, नेक टाइज, बेल्ट, सॉक्स, स्टॉकिंग, स्वेटर, ब्लेजर, जींस, टी शर्ट, ट्रैक सूट, बॉडी वार्मर, इनर, स्वाल, चादर, स्कूल बैग, शूज यहाँ पे उपलब्ध है। KVS यूनिफॉर्म ऑल्सो अवेलेबल। आज ही आइए आपका अपना श्री शंकर स्टोर्स में, खुदिराम बल्ली हिलकार रोड, सिलीगुड़ी। श्री शंकर स्टोर्स, जो ना मिले कहीं वो केवल मिले यहीं। अधिकारीगण, साथी जवानों और प्यारे बच्चों, आज मैं इस तनावा गांव में उपस्थित हूँ। ये SSB का लोगों के प्रति जुड़ाव है। जैसा कि आपको पता है कि SSB यहाँ लगभग 6-7 साल पहले आई थी 2016 में, और जैसा ऋतुराज जी ने बताया कि पंचायत भवन में जो है रहने के लिए जगह मांगी थी, उसमें गया की स्थिति बहुत ख़राब थी। डोभी में भी जाने को लोगों को सोचना पड़ता था। 6-7 बजे के बाद डोभी भी लोग नहीं जाते थे, और आम आदमी तो छोड़िए, पुलिस को भी जाने में सोचना पड़ता था कि पता नहीं कब बम फट जाए, कहाँ गोली चल जाए, क्या घटना हो जाए। लोग सही ढंग से जी नहीं पाते थे, हमेशा तनाव में रहते थे, पता नहीं कब किधर से कौन नक्सली आएगा, किस गांव को लूटेगा, किस गांव में क्या करेगा, खाना बनवाएगा, खाएगा, रहे। और ये बिहार के और गया के विकास में बहुत बड़ा बाधक था। लेकिन आज फोर्स के आने के बाद, एक छोटा सा सरन SSB ने मांगा, इसी तरह CRPF और विथ फोर्स यहाँ आई। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपने प्रयास से, मेहनत से जो अंजाम दिया हुआ आपके सामने है कि आप रात को 12 बजे भी डोभी तो छोड़िए, आप चक्करबंदा में भी जाएंगे तो आपको कुछ नहीं होगा। चक्करबंदा तक भी है, नक्सल फ्री हो गया है, और ये सब आप लोगों का सहयोग रहा है, जनता का सहयोग रहा है कि नक्सली खत्म करने के लिए लगा हुआ है। नहीं तो बच्चे खाएंगे जुड़ाव, तो एक जुड़ाव होता है, इससे आपका, इस बीच से आपका जीवन नहीं चलना है, लेकिन क्या है, एक हमारा आपका एक अच्छा संबंध बना रहेगा, आने जाने का बहाना, बात करने का बहाना, ये एक तरीका होता है। तो काफ़ी खुशी है कि आप लोग यहाँ उपस्थित हैं और हम सब साथ साथ यहाँ एक बार इकट्ठे हुए हैं। तो एक फोर्स, एक वर्दी और एक सिविल आदमी के बीच एक अच्छा संबंध बनेगा, तभी एक समाज में एक विश्वास की भावना पैदा है। आप सोचिए, जब से SSB आई है, आस पास चोरी चकारी बंद हुआ कि नहीं, कम हुआ कि नहीं, काफ़ी कम हुआ होगा, क्योंकि एक मन में ये होता है चोरों का कि यहाँ पे फोर्स से कभी पकड़ के पिटाई करेगी और लेके जाएगी। तो हम जब आते रहेंगे, जाते रहेंगे, तो आपके गांव में एक विश्वास भी रहेगा कि नहीं, फोर्स हमारे साथ है और हमें आपके अंदर एक सुरक्षा की भावना पैदा होगी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।